तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। ये फोटो देख के क्या ध्यान में आ रहा है कि अपने आप को तुम इस फोटो में इमेजिन कर पा रहे हो कि एक ना एक कैडेट एक दिन तुम भी बनोगे और यहाँ पर तुम्हारे भी ऐसी फोटो होगी, ऐसी तुम्हारे पेरेंट्स खड़े होंगे और तुम लोग भी अपनी बस पासिंग आउट सेरेमनी से बाहर ही आ रहे होंगे। क्या तुम लोग ये जो अंतिम पग होगा इसको इमेजिन कर पा रहे हो? अगर तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो और तुम लोगों ने मेहनत की है तो ये सच भी हो सकता है और बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब हो तुम लोग इस सच के। तो इसी पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लिया तो एनडीए पार है, नहीं माना तो एनडीए ही बेकार है भाई। जिसने मान लिया ना कि एनडीए पार है और उसने मेहनत की है तो उसके लिए एनडीए ये बहुत नजदीक है। ये जो तुम लोग मोमेंट देख रहे हो ना ये बहुत नजदीक है। और जिसने मेहनत नहीं की है तो बोल देगा भाई एनडीए ही बेकार है, छोड़ो एनडीए को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है वोकैब। वोकैब में आज हम लोग बेसिकली वोकैब के अलावा थोड़ा बहुत ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स कौन से हैं, कौन से ऐसे वोकैब्स हैं जो अक्सर रिपीट करते हैं। देखो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह नहीं करवाऊंगा क्योंकि देखो यहां पर जो भी मैं वोकैब पढ़ाऊंगा ना तुम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पर ये वोकैब यूज हुई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है और इस वीडियो को जरूर पूरा देख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है तुम्हारे। अब 3 तारीख को एग्जाम, 4 तारीख को एग्जाम है, 4 सितंबर को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, जरूर देख लेना। इसके अलावा मैं एक और चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है ना, रीअरेंजमेंट, ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि ये कितने मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स का आता है। 40 में से मैं चाहता हूं कि तुम्हारे 40 में से 40 आए। अब वो आएंगे कैसे, वो जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा पैसेज, बहुत बार पैसेज भी दे दिया जाता है, पिछले कुछ टाइम से गैप आ रहा है तो इसीलिए बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि पैसेज आ सकता है। पैसेज आ गया तो आराम से तुम्हारे 20 मार्क्स पैसेज में भी हो जाएंगे, इसीलिए इसको भी देख लेना। इसके अलावा हम लोगों की ये चैनल है, यहां पर तुम लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही होगी। प्लेलिस्ट में यहां पर मैंने बहुत सारे, एक तो यहां पर ही केमिस्ट्री की है इनको जरूर देख लेना, इसके अलावा मैंने इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर तुम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे, यहां पर देखो एंटोनियम एंड सिनोनिम मैंने यहां पर भी बता रखे हैं, इनको भी जरूर एक बार देख लेना। इसके अलावा एरर्स की भी वीडियोज है, बहुत सारी ये वीडियोज हैं, इन सबको देख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम लोगों को पता है कि 200 मार्क्स की तुम्हारी क्या आती है, इंग्लिश आती है, तो इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो वोकैब में पहला जो वर्ड है वो है, थोड़ा सा इजी वाला ले लेते हैं, एमेच्योर। क्या है एमेच्योर? देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमको तो एक भी नहीं आ रहा है इसमें से, क्या करें हम लोग, हम तो एक भी वर्ड हमको नहीं आ रहा है। तो तुम लोग आई क्यों हो इस वीडियो पे, ताकि तुम लोग नए वर्ड सीखो ना बस। तो जरूरी नहीं है तुमको कोई आए, जो पहली बार वोकैब के लिए ट्राई कर रहा है उसको नहीं आएगा ये। यहां पर मैं कुछ नए वर्ड्स भी बता रहा हूँ तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी जरूर ध्यान रखना। तो देखो एमेच्योर पता क्या होता है, जो ना प्रोफेशनल नहीं होते हैं। जैसे देखो तुम लोग घर में क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम लोग प्रोफेशनल तो नहीं हो ना, आराम से मजे में खेल रहे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता बस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एमेच्योर, जो क्या होता है अनप्रोफेशनल। क्या होता है अनप्रोफेशनल, या फिर अगर तुम लोग और अच्छे से बोलो लेमैन। लेमैन मतलब जो नॉर्मल आदमी होता है। जैसे अगर तुम लोगों को मैं बोलूं, जो भी साइंस बैकग्राउंड से है उसको ये फॉर्मूला पता होगा, ये क्या है मीथेन का फॉर्मूला। अगर मैं किसी एक आम आदमी, एक मजदूर से पूछूं कि भाई ये क्या है, वो बोलेगा भाई ये सी है, ये एच है और ये फोर है, लेकिन तुमको पता नहीं ये मीथेन है। अब मीथेन क्या होता है, मीथेन की वजह से पता है जो आपका यूरेनस है वो कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, किसकी वजह से, मीथेन की वजह से। इसके अलावा मीथेन और किस में होता है, मीथेन होता है तुम्हारा बायोगैस जो होती है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है मीथेन। इसके अलावा तुम लोगों की मीथेन किसके लिए यूज होती है, जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं ना उसमें जो बदबू आती है वो मीथेन की आती है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर में मेजर पोर्शन किसका होता है, ब्यूटेन का होता है। तो ये तो मैं हमने चलो केमिस्ट्री भी पढ़ ली तो ये समझ में आ गया ना। इसके अलावा इसका और क्या होगा, देखो
इसका और होता है एंथुजियास्टिक। कोई क्या है? एंथुजियास्ट है। और क्या होता है इसका? ये वर्ड आया था एक बार, क्लम्सी, क्लम्सी और क्रूड, एमेच्योर के ही है सब। ठीक है, तो सिंपल सी अगर हम लोग एक बात करें, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है क्रू, ये अनप्रोफेशनल। और एक और बोल सकते हैं हम लोग, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो स्किलफुल होता है। अभी बताऊंगा मैं, एक और वर्ड होता है स्किलफुल, जिसका एड्रॉइट होता है। एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब क्या होता है? स्किलफुल। या फिर एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट। ठीक है, ये भी होता है एड्रॉइट का मतलब। मतलब कोई अगर बंदा स्किलफुल है, कॉम्पिटेंट है, या फिर जिसको हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं, जिसको काम आता है कोई चीज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रॉइट बोलते हैं। ये किसका एंटोनियम है? ये आपका एमेच्योर का एंटोनियम है। या फिर अगर मैं एमेच्योर का थोड़ा सा एंटोनियम आपको बताऊं, एंटोनियम क्या होगा इसका? कोई अगर अनप्रोफेशनल है तो दूसरा प्रोफेशनल होगा, या फिर एक्सपर्ट होगा किसी चीज का। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी इसकी? एंटोनियम हो गया। तो ये आपका फर्स्ट वर्ड है, ये वाला आपका क्या है? सेकेंड वर्ड है। और एक और वर्ड इसका होता है, वो होता है आपका अडैप्ट। क्या होता है? ADEPT, अडैप्ट। अब स्किलफुल का क्या होगा? एड्रॉइट का अगर स्किलफुल है मतलब जो अनस्किल्ड होगा, ठीक है, जो इनकॉम्पिटेंट होगा, ये इसका क्या होगा? जो एमेच्योर होगा, ये इसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट जो है आपका, वो है फ्लुएंट। अगर मैं बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूं, जैसे कि जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं, भैया हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, तो मैं बोलता हूँ भाई सिंपल है, फ्लुएंट इंग्लिश तुम लोगों को SSB में बोलनी ही नहीं है, तुम लोग भले ब्रोकन इंग्लिश बोलो, ठीक है, जैसे तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, तुम थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलो, थोड़ा बहुत हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज तुम लोग कैसे करके इंप्रूव कर सकते हो? जब तुम मिरर के आगे रोज कोई ना कोई टॉपिक बोलो, जैसे तुम लोगों ने इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में पढ़ा, उसी को बोल दो। तुम लोग क्या कर दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो मिरर के सामने रोज, ये कम से कम 10 मिनट करो, तुम्हारी खुद ही इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। सो दिस इज द वे यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। तो ये क्या हो गया आपका? फ्लुएंट इंग्लिश कैसे करके बोले। अब फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? फ्लुएंट मतलब अच्छी इंग्लिश, मतलब लगातार, जिसमें तुम ब्रेक ना हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं लगातार बोले जा रहा हूं, तो ये होता है फ्लुएंट। अब कोई बोलता है अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैन, ऐसे जो करते रहते, ये क्या होता है? फ्लुएंट नहीं होता है। तो फ्लुएंट का सिनोनिम क्या होता है? इसका एक सिनोनिम होता है, ये पहले आ भी रखा है, एलोक्वेंट। क्या होता है? एलोक्वेंट। इसके अलावा जो एक्सप्रेसिव होगा वो भी क्या होगा? फ्लुएंट होगा। जो एक्सप्रेसिव होगा वो भी क्या होगा? फ्लुएंट होगा। अब एक और वर्ड आता है कॉम्युनिकेटिव, वो भी इसी की तरह हो गया, इसीलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूं। इसके अलावा एक होता है कोहेरेंट। क्या होता है? कोहेरेंट, ठीक है। और क्या होता है? कॉगेंट। और क्या होता है? विविड। ये बहुत बार आता है विविड, तो विविड का मतलब क्या है? कोई अगर फ्लुएंट है तो वो विविड है, जो अच्छे से बात कर पाता है, जो अच्छे से बोलता है, जो फ्लुएंटली बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट भी बोलते हैं, उसको हम विविड भी बोलते हैं, VIVID, विविड। और क्या बोलते हैं उसको? हम पर्सुएसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सुएसिव मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है थोड़ा बहुत। और क्या होता है भाई? रिदमिक भी होगा। जैसे अगर कोई गाना चल रहा है, अगर गलती से उसकी जो ताल होती है, जो रिदम होता है, वो टूट गया, तो तुम बोलते हो अबे क्या घटिया गाना है। तो यही, ये क्या एक तरीके का फ्लुएंट है, फ्लुएंसी है। तो इसीलिए इसका सिनोनियम इस तरीके से भी आ सकते हैं। और एक लास्ट इसका क्या है? आर्टिकुलेट। क्या है? आर्टिकुलेट। समझ में आ गया? अब तुम लोग बोल रहे हो भैया ये तो ठीक है, हम लोगों को सिनोनियम सब आ गए, इसका जरा एंटोनियम बताना। एंटोनियम होता है इसका जर्की। जैसे तुम लोग अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर सपोज करो उसमें क्या है, टायर पंचर है, तो झटका देते हुए चलती है ना, यही होता है जर्की, जो जर्क करके दे रही हो। अब ये क्या है? आर्टिकुलेट है। यहां पर क्या हो जाएगा? इन लगा देना, इन आर्टिकुलेट। ये क्या हो गया तुम्हारा? इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका एंटोनियम हो गया। इतना आ गया समझ?
अब नेक्स्ट है, ये वाली पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, ये रहा टेलीग्राम चैनल। इंस्टा पे कोई भी डाउट आता है वो पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो तो तुम लोगों को साइड ही में दिख रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा, ये है वेलेंट, इसका तो मतलब तुम लोगों को पता होगा, वेलेंट मतलब होता है जो ब्रेव होता है, बहादुर, ब्रेव होता है। अब ब्रेव तुम बोल रहे होंगे, अच्छा भैया तो बहुत इजी है, क्या तुम्हें यह पता है कि इसका एक मतलब ऑडेशियस भी होता है, पता है क्या तुम लोगों को, ऑडेशियस भी होता है इसका एक मतलब, और स्टॉट भी होता है इसका एक मतलब, और क्या होता है, और इसका मतलब होता है अनडॉन्ट। अब देखो यहां पर अनडॉन्ट आ गया, यहां से तुम लोगों को क्या पता लग जाएगा, अगर यहां पर अनडॉन्ट है, अनडॉन्ट का मतलब अगर ब्रेव है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, डॉन्ट, डॉन्ट मतलब डरपोक, या फिर बोल सकते हैं जो थोड़ा सा शाई हो, ऐसे करके जो पर्सनालिटीज होती है वो क्या होता है, डॉन्ट होते हैं। और क्या होता है इसका मतलब, एक बहुत बार आता है एक वर्ड, वो है स्टेडफास्ट, बहुत बार तो नहीं मतलब प्रीवियसली रिपीट हो चुका है ये, स्टेडफास्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, ब्रेव, जो ब्रेव होते हैं उनके सब क्या हो गए, सिनोनियम हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए, उनके सिनोनियम हो गए। अब यहां पर जो एंटोनियम है इसके, वो एक तो हमारा डॉन्ट हो गया, और क्या होता है डॉन्ट के अलावा, डॉन्ट के अलावा होता है एप्रीहेंसिव, डॉन्ट के अलावा क्या होता है, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, डरपोक, फेयरफुल, भयभीत जिसे बोलते हैं, क्या होता है, फेयरफुल। और क्या होता है, और क्या होता है इसका, थोड़ा सा और मतलब हम लोग निकालेंगे तो ये होता है डिस्मय, क्या होता है, डिस्मय। और क्या होता है, रफल, और क्या होता है, सबड्यू। ये सब ना एक तरीके के वर्ड है, तो कैसे करके आता है देखो क्वेश्चन, अगर तुम्हारा सपोज करो ऑडेशियस लिखा है, तो इनके करीब का यही वाले वर्ड्स आएंगे, दो वर्ड साथ में नहीं आएंगे, जैसे रफेल भी आ गया, डिस्मे भी आ गया, ऐसे नहीं होगा, एक ही वर्ड के करीब आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग क्या कर सकते हो, इन चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शंस को। इसके अलावा डिजेक्ट, डिजेक्ट का मतलब थोड़ा सा रिजेक्ट भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, और इसका होता है ड्रेड, ड्रेड, और इसका होता है डीमोरलाइज करना, अगर आप किसी को डीमोरलाइज कर रहे हो तो मतलब वो डरा हुआ है। सिनोनियम और एंटोनियम ऐसी करके चलते हैं, ठीक है, भले थोड़ा सा मतलब अलग होगा। अब देखो ब्रेव और डीमोरलाइज ये अलग लग रहे हैं ना, लेकिन हाँ ये इसका हम लोग एक तरीके से सिनोनियम बोल सकते हैं। ये सब बेसिकली मैंने पता है किसके सिनोनियम बता दिए, ये डोंट के सिनोनियम बता दिए, और डोंट का मतलब डोंट, इसका सिनोनियम है, डोंट इसका एंटोनियम है, तो इसीलिए ये चीज को तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब डॉन्टेड क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, तो एक और हम लोग नेगेटिव वर्ड लेते हैं, वो आता है लैमेंट। लैमेंट पता है क्या होता है, जो रोतड़ू होता है ना, रोतड़ू कौन होता है, जो वो हर बात पे क्या करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। जैसे तुम लोगों क्या करते हो, भैया आपने ये भी नहीं करवाया, वो भी नहीं करवाया, भैया ये भी नहीं करवाया, अरे भाई ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया आपने जरा मेरे को ना 15 डेज की ना एकदम धासु स्ट्रैटर्जी बना के दे दो, या 20 डेज की, लास्ट 20 डेज में मैं कैसे करके पढ़ूं अगर मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, मन कर रहा था फोन से बाहर आके मारू भयंकर तुमको, जब तुम्हें पता है यार एक ना एक दिन तो एनडी का एग्जाम आना ही है ना, तो पहले से पढ़ लो ना यार, खुद सोचो अगर तुम यहां पर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ यहां पर पढ़ना ही पढ़ना है, तो तुम जब तुम लोग जैसे सपोज करो एक सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहे हो, या फिर तुम लोग इंसर्जेंसी एरिया में जा रहे हो, क्या तुम बिन प्लान के चले जाओगे, क्या नहीं जाओगे ना, वहां पर पूरा प्लान बनाओगे, भाई इस इतने बजे हम लोग 15 मिनट के अंदर हम लोग ये वाला ऑपरेशन करेंगे, अगले 15 मिनट में ये ऑपरेशन करेंगे, कौन कहाँ पर रहेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या चीज ट्रैक करेगा, कौन क्या चीज ऑब्जर्व करेगा, कौन कितनी टेररिस्ट को मारेगा, अगर ये आ गया इधर से तो ऐसे होगा, ये सब चीज तुम प्लान करते हो, तो यहां एनडीए के एग्जाम में क्यों नहीं वो चीज। तुम्हें मैंने बताया ना
कि अगर तुमने मान लिया है ना तो अब उस पर फोकस करो, अब अच्छे से पढ़ो। और जिसको जो सोचता है भाई इस बार मेरा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और अटेम्प्ट भी है और मैं करना चाहता हूँ, तो ठीक है यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना पूरे जोर लगाना, सब कुछ अपना झोंक देना। चाहे तुमको सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे तुमको कुछ भी करना है, चाहे तुमको कोचिंग लेनी है, बहुत सही है। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि तुम ऐसी कोचिंग से लेना। अब देखो यार अनअकैडमी में बेसिकली लोग लेते हैं, लेकिन एक ही टीचर से पढ़ना, ऐसे नहीं मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे, ऐसे नहीं, एक टीचर पे करो भरोसा, उससे पढ़ो। यूट्यूब पे तुम ऐसा कर सकते हो कि मतलब मल्टीपल से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक ही के पास बहुत ज्यादा सोर्स नहीं होता है इसीलिए। लेकिन बाकी मैं प्रिफर करूंगा एक ही से पढ़ना। अब देखो ये हो गया रोदोड़ो की बात कि कंप्लेन करता रहता है। इसके अलावा एक और मतलब होता है इसका, क्या होता है, जिसके मुंह पे ना बहुत ज्यादा ग्रिफ होती है, एक्सप्रेशन कैसा होता है उसका, ग्रिफ होता है या सौरव वाला होता है, मतलब दुख भरा एक्सप्रेशन, क्या होता है, दुख भरा एक्सप्रेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दुख भरा एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग लैमेंट भी बोल देते हैं। और क्या होता है इसका मतलब, वेल, ठीक है, जो जैसे कि तुम्हारे क्या होगी, चोट लगी, तुम कर रहा होगे ना बहुत तेज से, तो वही चीज होती है क्या, वेल, कि मम्मी मेरा दिल टूट गया, वो छोड़ के चलेगी, मेरी वाली तो अलग थी लेकिन वो मेरे को छोड़ के चलेगी। तब रोते हो ना तुम लोग, तो क्या करते हो तुम लोग, वेल करते हो या फिर ग्रॉन करते हो, और क्या करते हो, क्राई, क्राई तो नहीं लिख रहा हूं ठीक है, वो सिंपल है, सॉब करते हो, सॉब का ही मतलब रोना, हाउल, हाउल करते हो भाई, और क्या करते हो, जेरीमेड करते हो, जेरीमेंट, और क्या करते हो तुम लोग, और करते हो तुम लोग बिवेल करते हो, क्या करते हो, बिवेल करते हो, और एक और चीज रियू, ये भी करते हो, समझ में आ गया। और अगर इसका उल्टा हम लोग बात करें लैमेंट का, तो अगर तुमको कोई मिल गई तुम क्या करते हो, आज की पार्टी तेरे भाई की तरफ से भाई, सेलिब्रेट, और क्या करते हो, रिजॉइस करते हो, रिजॉइस का मतलब कुछ चीज को सेलिब्रेट करना, ठीक है, रिजॉइस का मतलब किसी चीज को सेलिब्रेट करना। और एक और चीज यहां पर देखो तुम लोगों का, ये चीज है ना, ये क्या है, ब्रेव है। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा, ये तो डॉन्ट हो गया, इसी के सिमिलर एक वर्ड क्या होता है तुम्हारा, टिमिड होता है, क्या होता है, टिमिड, टिमिड मतलब होता है जो थोड़ा सा डरपोक होता है, क्या होता है, डरपोक, डरपोक बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो जो थोड़ा सा शाई होता है, डरपोक थोड़ा अलग चीज होगी, शाय अलग हो गया, लेकिन हाँ दोनों को क्या बोलते हैं, टिमिड से ही बोल सकते हो तुम लोग। अब इसका और क्या होता है सिनोनियम, इसका एक होता है मॉडेस्टी, एक होता है रिलक्टेंस, और क्या होता है इसका, और इसका होता है डेफिडेंस, और क्या होता है, मीक, मीक भी होता है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है आपकी, टिमिड, ठीक है, टिमिड होता है। अब देखो यहां पर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा क्या, रिजॉइस, रिजॉइस के थोड़ा सा तुम लोगों को मैं और सिनोनिम बताऊं, रिजॉइस का जो सिनोनिम होता है वो होता है चीयर, हुर्रे करना, ठीक है, चीयर करना, या फिर एक आता है ट्रम्प, इसका मतलब भी यही होता है जब आपकी बहुत भयंकर विक्ट्री होती है, जैसे अशोक है, अशोक इतने सारे युद्ध जीता, चंगेज खान इतने सारे युद्ध जीता, तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली में ट्रम्प किया है। इसके अलावा रेलिश, और क्या किया, सेवर, और क्या किया है उन्होंने, जुबिलिएट किया, मतलब मजे में झूमे, और क्या किया, बाउंड किया, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें की है इन्होंने। और एक और वर्ड लास्ट किया तुम्हारा, एक्सल्ट किया उन्होंने, ये सब चीजें। अच्छा तुम लोगों ने एक बहुत फेमस वर्ड सुना होगा कि भाई सैवेज रिप्लाई, टना ना ना ना, ये वाला सुना है ना, सैवेज, सैवेज का मतलब क्या होता है भाई, ये बताओ तुम लोग, ये तो बहुत देखते हो तुम, आज तक किसी ने सर्च किया,
जिसने भी सर्च किया, जिसे भी आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, चाहे 1 महीना 2 महीना कल कभी भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या होता बताओ सैवेज का मतलब। सैवेज का मतलब क्या होता है? सैवेज का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, क्या होता है डेंजरस, समझ में आ गया, सैवेज का मतलब डेंजरस। अब इससे जितने भी सिनोनिम होंगे ना ये सारे लिख लेना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए जरूर ज्वाइन कर लेना। एक वर्ड होता है तुम्हारा आबजर, क्या होता है आबजर, इसका मतलब पता है क्या होता है? जब आपको कोई मना कर देता है, मतलब कोई जब आपको रिजेक्ट कर देता है, या फिर आप लोग को क्या कर देता है, कोई रेप्यूडेट कर देता है, रेप्यूडेट कर देता है, रिजेक्ट मतलब मना कर दिया कि जी दीदी को तुमने बोला दीदी हम आपके साथ जिंदगी बितान चाहते हैं, दीदी ने बोला नहीं बाबू मैं ऑलरेडी किसी बकरे को फंसा चुकी हूं, तो दीदी क्या कर देगी, मना कर देगी। तो ये हो गया आपको एब्जर्व कर दिया दीदी ने। और आपका क्या होता है फॉरगो, फॉरगो का बेसिकली मतलब होता है जब आप किसी के बिना चले जाते हो, गो विदाउट, ठीक है, गो विदाउट, किसी के बिना चले जाते हो, तो तुम दीदी के बिना चले जाओगे तो तुम क्या कर जाओगे, फॉरगो कर जाओगे, ठीक है। और क्या होता है रिलिंक्विश, और क्या होता है रिलिंक्विश, ठीक है, ये सब सिनोनियम है, इन सबको बस रीड करना है तुमने, क्या करना है रीड करना है। एक है डिस आबू, देखो दो चीजें होती है, एक होता है ये डिस आबू और एक होता है डिजाबू, क्या होता है एक होता है डिजाबू, डिजाबू, डिजाबू का मतलब पता है क्या होता है, डिजाबू का मतलब होता है कुछ चीज जो तुमने पहले से एक्सपीरियंस की हो। जैसे अगर तुम सपोज करो रेस में भाग रहे हो, रेस में भाग रहे हो तुम फर्स्ट आ गए, और तुम एक बार नर्सरी क्लास में ही फर्स्ट आए थे, ठीक है, तुम रेस में भाग रहे हो तुम फर्स्ट आ गए, एक बार तुम नर्सरी क्लास में ही फर्स्ट आए थे, तो सबके सब तुम्हारे लिए चीयर कर रहे थे, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो फीलिंग पहले से आ रखी है मेरे को। तो ऐसी चीज जो क्या होता है, ऐसी फीलिंग बेसिकली जो फीलिंग ऑफ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फीलिंग ऑफ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, यही क्या होता है आपका डिजाबू। और ये वाले डिजाबू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो वो चीज क्या होती है डिजाबू, जब आप क्या कर देते हो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मना कर देते हो, मना कर देते हो, ये क्या होता है आपका ये वाला डिजाबू। या फिर इसका क्या होता है डिस्पोन भी होता है, और क्या होता है आपका अबंडन भी होता है, और क्या होता है एस्च्यू भी होता है, क्या होता है एस्च्यू, एस्च्यू, ठीक है। और एक और एक और क्या होता है दिस एफएम, दिस एफएम, ठीक है। और एक वो बताऊं मैं तुमको कि इसका इडियम एंड फ्रेज कैसे करके आ सकता है, ये एक होता है वॉश वंस हैंड ऑफ। अगर तुम लोगों को इडियम एंड फ्रेजेस कैसे करके एग्जैक्टली में सॉल्व करने, कैसे करके आप अप्रोच करोगे, मैंने ऑलरेडी इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो उसे भी देख लेना, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब एक और वर्ड जो आता है वो आता है तुम लोगों का इराटिक, ये वर्ड ऑलरेडी पहले ही भी बता रखा है मैंने, इराटिक याद है, इराटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो इररेगुलर हो, ठीक है, कोई चीज जो इररेगुलर हो, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इराटिक का मतलब, कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इराटिक बोलते हैं। जैसे क्या वो हाँ बोलेगी, ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो कैसी चीज है इराटिक चीज है, या फिर चेंजेबल चीज है, या फिर क्या बोल सकते हैं चेंजेबल भी हो जाएगा, हाँ ये इजी है इसीलिए नहीं लिखा रहा हूं, या फिर कोई चीज इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या चीज हो सकती है, इंडिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, इंडिया की रोड्स,
हर थोड़ी दूर जाओ गड्ढा, थोड़ा दूर जाओ गड्ढा, तो ये क्या है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, कैसी रोड है, आज से बोलना इराटिक है। हाँ यार यहाँ पर सीन ही है, ये क्या इराटिक, इराटिक है ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलना आज से, भाई ये रोड्स कैसी इराटिक है, लोग बोलेंगे भयंकर से इंग्लिश आती है भाई। और एक और क्या होता है, एक होता है ये फ्लूसेंट। अब इसका एक एंटोनियम और सिनोनिम वो देख ले, इडियम एंड फ्रेज, ये होता है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन क्या होता है, मेरी जिंदगी तो भाई उतार चढ़ाव वाली है, उतार चढ़ाव वाली है, तो कैसी है, अनप्रिडिक्टेबल है, कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। अब इसका एंटोनियम लिखाने की तो जरूरत नहीं है ना यार, एंटोनियम क्या हो जाएगा, जो चीज अनप्रिडिक्टेबल होगी वो कैसी होगी, वो स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होगी, वो कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, कैसी नहीं होगी, कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, इसके अलावा क्या नहीं होगी, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। अब एक और वर्ड क्या आता है, एक आता है तुम्हारा एसिड, एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी चीज के पे एग्री कर रहे हो, किसी की डिमांड पे, आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो किसी की डिमांड पे, जिसको क्या बोलते हैं, एज्यूम, या फिर अटेन करना, या फिर इनहेरिट करना, या फिर टेक ओवर करना। एक तो ये मतलब हो गया कि मतलब जब आप कोई पोजीशन को होल्ड करते हो ऐसी चीजें, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने क्या बताया, अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा एबडिकेट, मतलब किसी चीज को ना लेना या ओवरटेक ना करना, रिनाउंस, अब ये भी बताया मैंने, रिनाउंस का मतलब रिजेक्ट कर देना, और क्या होता है, रिफ्यूज। एक तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है, जो सेकंड मतलब है वो क्या है, वो क्या है, वो है एंडोर्स कर देना, एंडोर्स, गो अलोंग विद, किसी के साथ जाना, एंडोर्स करना, या फिर रिलेंट करना। अब आप अगर किसी के साथ जा रहे हो तो किसी के साथ नहीं जाओगे तो क्या कर दोगे आप, रिनाउंस कर दोगे, रिफ्यूज कर दोगे, ये सब चीजें कर दोगे, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब एक और वर्ड क्या आता है, एक वर्ड आता है आपका इंडिजीनियस। देखो ये बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, आप लोगों को कम से कम इतने तो पढ़ के ही जाने, और इनको लिख लो और रिवाइज करना कंटिन्यूअसली, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं इससे। इसका मतलब क्या है, देखो इंडिजीनियस का मतलब पता है क्या है, जैसे हम लोग, तुम लोगों ने आजकल तो बहुत चल रहा है, पीएम मोदी कहता है जी आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब हम खुद बनाएंगे चीजें, जब हम लोग स्वदेशी बनाएंगे चीजें, तो इंडिजीनियस स्वदेशी ही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से जब कुछ चीज निकली होती है, जैसे अगर तुम लोग यूपी की बात करते हो, यूपी से बैंगल्स ज्यादा निकलते हैं, बैंगल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, चूड़ियां बहुत ज्यादा बनती है, ये चीज क्या होगी वहां की, इंडिजीनियस चीज होगी। जैसे हम लोगों का LCA तेजस, तेजस एयरक्राफ्ट है, तेजस है ना, वो क्या है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है इंडिया का, मतलब इंडिया ने बनाया है उसको खुद। तो एक और वर्ड इसका क्या होता है, नेटिव, नेटिव, ठीक है, नेटिव है वो, या फिर क्या बोल सकते हैं, यहां से क्या है, एब ओरिजिनल है, क्या है, आप ओरिजिनल है, या फिर क्या है, प्रिवेल करता है यहां से, मतलब यहीं का है, और क्या हो सकता है, ओरिजिनली यहीं से है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड होता है ऑटो, ये ठीक है। अब इसके एंटोनियम क्या होंगे, अब कोई चीज अगर इंडिया में बनी है और वो इंडिजीनियस है तो क्या होगा इसका
एंटोनियम माइग्रेंट है, मतलब कहीं और से आई है, माइग्रेंट है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं, ठीक है, बस ये इसके क्या है, एंटोनियम है, ठीक है, ये क्या है इसके, एंटोनियम है। अब कभी कभी क्या कर देता है, इसी की जगह पे इंडिजीनियस कोई चीज है तो वो क्या है, इंडिया में ही बनी है, तो इसको इंट्रेंसिक भी कर देता है। तुम लोगों ने अगर साइंस वाले जो है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो ये इंट्रेंसिक भी बोल देता है, या फिर इनबॉर्न भी बोल देता है, या फिर और क्या बोल देता है, यहां पर इनहेरिट भी बोल देता है, क्या लिख देता है, इनहेरिट, जो यहीं से आया है, और क्या इनेट भी लिख देता है, ये भी लगभग इसके सेनोनिम ही कर देते हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, इसके सेनोनिम ही कर देते हैं। और एक और चीज कर देता है, क्या कर देता है, कॉन्टेंशियल, ये चीज, ठीक है, ऐसे भी कर देता है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली ये वाले पढ़ने। अब कोई चीज अगर तुम लोगों ने इतना जब ले गए हैं, कोई चीज अगर इंट्रेंसिक है, कोई चीज अगर इंट्रेंसिक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, एक्सट्रेंसिक भी लिख सकते हो, मतलब बाहर से है, और क्या लिख सकते हो, कोई चीज एक्वायर की गई है। जैसे देखो तुम लोगों ने सुना होगा जो रतन टाटा जी हैं, वो क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करते हैं, वो उनकी नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, बाहर से एक्वायर कर लेते हैं, तो ये भी चीज है, ठीक है, ये भी चीज है। अब और क्या है, एक आता है तुम लोगों को, ये मैंने पहले ही बता रखा है, नेव, इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर इनोसेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोसेंट मतलब भोला वाला, उसको नेव बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, जिसको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है किसी चीज में, क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है किसी चीज में, जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो नशे वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें लाइफ के कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इनोसेंट होते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है उनमें। और क्या होता है, एक ये वर्ड है अनसोफिस्टिकेटेड, क्या होता है, अनसोफिस्टिकेटेड है, और क्या होता है, इमेच्योर है वो लोग, क्या है, इमेच्योर है, और कैसे हैं, और है वो है, ये है इंग्नियस, और क्या है, इनएक्सपीरियंस है, गाइडलेस है, चाइल्ड लाइक है, इग्नोरेंट है, कैसे हैं, इग्नोरेंट है, अनप्रिटेंशियस है, ये भी लिख लेना, अनप्रिटेंशियस, ठीक है, कैसे हैं, अनप्रिटेंशियस। और एक ये वर्ड बहुत ज्यादा, ये वाला वर्ड पूछने के चांसेस है, क्रेडुलस है, कैसे हैं, क्रेडुलस। तो ये सब क्या है, तुम्हारे नेव के सिनोनिम है, नेव के क्या है, ये सिनोनिम है। अब एक और वर्ड आता है तुम लोगों का, वो क्या आता है, इनक्यूजिटिव। अगर कोई इनक्यूजिटिव है, तुम लोगों को क्या लग रहा है, अगर कोई इनक्यूजिटिव है तो वो कैसा होगा, थोड़ा सा क्यूरियस बंदा होगा, कैसा होगा, क्यूरियस होगा। अब अगर कोई क्यूरियस है तो वो क्या करेगा, जासूसी ज्यादा करता है, तो स्पाइंग भी करेगा, और क्या करता है, दूसरों की चुप्पे चुप्पे बातें भी सुनेगा, तो क्या होता है, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है, जैसे जो आंटियां नहीं सुनती, चुप्पे चुप्पे सी बातें करके बातें सुनते रहती है, और क्या होता है, नोजी, हर जगह नाक डालेगा अपनी, स्नूपिंग, क्या करेगा, स्नूप भी करेगा। और इसका एक होता है इंट्रीग्यूट, इंट्रीग्यूट, एगॉग, ये भी होता है, ठीक है। और अगर इसका हम लोग वो करें, अब कोई अगर इतना हमारे, सोचो कोई हम पे जासूसी कर रहा है, क्यूरियस है, इतनी चीज कर रहा है, तो ये मतलब हम में इंटरेस्ट रखता है, तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा इसका। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट ही नहीं रखता, अनइंटरेस्टिंग, क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम, अन इंटरेस्टेड, बस, ठीक है। अब देखो और क्या हो जाएगा,
एक वर्ड आता है तुम्हारा, ये बहुत बार, ये वाला तो बहुत बार रिपीट होता है भाई, वल्नरेबल। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता भी नहीं होती है वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। देखो वल्नरेबल पता क्या होता है, जो बहुत इजीली, जिसको आप एक्सपोज कर सकते हो या अटैक कर सकते हो। जैसे हम लोगों का सिंपल अगर बोले ट्राइबल क्लास, ठीक है, उनको कोई भी अटैक कर सकता है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में इक्वालिटी के बीच में, आर्टिकल 19 में फ्रीडम पे बोलता है, आर्टिकल 20 क्या बोलता है भाई कि तुम लोग किसी को कन्विक्शन के बारे में बोलता है कि भाई किसी को तुम लोग जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया। 21 क्या होता है, 21 क्या होता है, अरेस्ट पे, अरेस्ट पे होता है नहीं, वो तो 22 होता है, ये राइट टू लाइफ पे होता है। आर्टिकल 22 और 23 किसके बारे में बोलता है, वर्क के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, कि बच्चों से काम नहीं करवा सकते। और बहुत ही ज्यादा खराब इंडस्ट्री में, जैसे कि आपकी कांच की इंडस्ट्री हो गई, इनमें तुम लोग वर्क नहीं करवा सकते, ये तुम्हारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 32 को क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला है, किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है। और क्या बोला उसने, लास्ट रिजॉर्ट किसको बोला है, आर्टिकल 356 को। 356 में है क्या, जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले अक्सर लग जाता था वो चीज, तो उसको क्या बोला है, लास्ट रिजॉर्ट बोला है। तो वल्नरेबल का मतलब जो आपका इजीली अटैक कर सकते हो आप जिसको, ठीक है, क्या कर सकते हो, इजीली अटैक। और क्या बोल सकते हैं इसको, जो क्या होता है एंडेंजर्ड होता है, जैसे आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज है, राइनो, तुम लोगों ने अभी सुना होगा कि केनिया में राइनो के लिए प्रोटेक्शन लगा रखी है, बहुत सारे कॉप्स या फिर आर्मी वाले क्या करते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि लोग मार ना दें। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड, ये वाला आता है हाँ वर्ड, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना, अनप्रोटेक्टेड। या फिर कोई एक्सपोज्ड है तो वल्नरेबल है। और क्या होता है अनफोर्टिफाइड, ये देखो अनफोर्टिफाइड है, इसका मतलब कोई किसी को प्रोटेक्शन ढंग से नहीं मिली है। तो फोर्टिफाइड का मतलब क्या है, अच्छे से प्रोटेक्शन मिली है, क्या मिली है, अच्छे से प्रोटेक्शन मिली है। और क्या होता है, ये क्या है, प्रिग्नेबल, ठीक है। और क्या होता है रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। अब यहां पर तो रोक नहीं रहे होते हैं, वल्नरेबल क्या होता है, जिसको रजिस्ट नहीं कर पाता, जो रजिस्टलेस। और क्या होता है इम्प्यूसेंट, तो ये सब क्या है इसके एंटोनियम है, पावरलेस। अब आप बोलोगे इसका, ये सब इसके सिनोनियम है, अब इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम बहुत सिंपल है, अगर ये कोई चीज वल्नरेबल है तो उसका एंटोनियम क्या होगा, इनवल्नरेबल। और क्या होता है रेजिलियंट, और क्या होता, ठीक है, तो ये सब चीज क्या होगी वल्नरेबल के बारे में होगी। नेक्स्ट चीज क्या तुम लोगों का, अच्छा एक इडियम एंड फ्रेज पढ़ लें, तुम लोगों ने क्या कभी ये सुना है, ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल सुना है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ मोमेंट, अ मूवमेंट। अगर आप किसी मूवमेंट को स्टार्ट करते हो तो क्या कहते हो आप, यू हैव ब्लेज द ट्रेल, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, यू हैव ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट वर्ड पता है क्या तुम्हारा, क्या है ये तुम्हारा, ये पिछले 2 साल से रेगुलरली रिपीट हो रहा है, ये पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है ये वाला वर्ड, कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जो चीज क्या होती है, रफ होती है या हार्श होती है, क्या होती है, रफ होती है या फिर हार्श होती है, तो वो चीज क्या होगी, ये होगी। तो कोई चीज अगर रफ है और हार्श है तो रूड तो जरूर होगी, क्या होगी, रूड तो जरूर होगी, अगर रूड होगी तो वल्गर भी होगी, कोई चीज अगर रूड है तो वल्गर भी होगी, ठीक है। और क्या होगी, शैगी, क्या होगी, शैगी। इसके अलावा तुम लोगों की वो चीज होगी डिसकर्टियस, कर्टियस मतलब क्या होता है, कर्टियस क्या होता है, जैसे आप अगर गाली
कर्टसी की बात कर दो, कर्टसी तो सुना ना थोड़ा बहुत, जहां पर हम लोग जेंटल बिहेवियर, जैसे आपके घर में कोई आया तो आपने उसकी अच्छे से खातिरदारी की, तो आप क्या हो, कर्टसी, कर्टसी रखते हो उसके प्रति, ठीक है। और क्या होता है, इल ब्रेड। अब ब्रेड बहुत ज्यादा, गुड ब्रेड का मतलब, गुड ब्रेड का मतलब जो अच्छा होता है, इल ब्रेड का मतलब जो बहुत ही खराब होता है, ठीक है। और क्या होता है, क्रूड। और क्या होता है, इनडेलिबरेट, इन डेली, इनडेलिकेट। और क्या होता है, क्या आ रहे हैं, ये हो जाएगा इन डी कॉरस, इन डी कॉरस। अब अगर आप बस इन हटा दो तो इसका जस्ट ऑपोजिट चीज क्या हो जाएगी, आपका ऑपोजिट चीज क्या हो जाएगी, इसका एंटोनियम हो जाएगा। और क्या होता है, कोई अनकल्चर्ड होता है, जो बहुत ही जंगली होता है, बूर एंड चर्लिश, जिसको क्या बोलते हैं, बूर, ठीक है, और चर्लिश, चर्लिश भी बोलते हैं। और एक होता है ल्योटिश। बस ये तुम्हारे हो गए खत्म। अब इसका क्या होता है, एंटोनियम इसका क्या होता है, एंटोनियम होता है इसका, अभी मैंने क्या बताया था, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड किसका मतलब बताया था, यहां पर ये बताया था ना मैंने, सोफिस्टिकेटेड कहाँ बताया, सोफिस्टिकेटेड मैंने पता नहीं कहाँ गया हो, सोफिस्टिकेटेड तुम लोगों को याद होगा, मैंने सोफिस्टिकेटेड एक बताया तो है, ठीक है। अब छोड़ो, जहां भी है तो तुम लोगों को पता लग गया होगा, सोफिस्टिकेटेड मैंने बता रखा है। तो सोफिस्टिकेटेड का क्या है, ये एंटोनियम हो गया। अनसोफिस्टिकेटेड का ये क्या हो गया, एंटोनियम हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होता है। इसके अलावा रिफाइंड और इन ऑफेंसिव, क्या हो गया, इन ऑफेंसिव। समझ में आ गया ये सब चीजें। अब मैंने तुम लोगों को एक वर्ड बताया था, टिमिड, याद है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, यहां पर बताया था टिमिड बताया था। तो टिमिड का एक और लिख लेना तुम लोग, यहां पर ये मीक लिख रखा है, ठीक है। टिमिड का इतना ही होता है। इसका अगर और लिखना चाहोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड लिखना चाहोगे टिमिड का, तो जो थोड़ा सा क्वाइट होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं। जो थोड़ा सा पेशेंट होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टिमिड बोलते हैं, ठीक है। और एक मैंने लिखाया था स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट इसका मतलब क्या होता है, ब्रेव होता है। अब स्टेडफास्टेडनेस क्या मतलब क्या होता है, इसका अगर तुम पर्टिकुलर मतलब देखोगे ना, इसका मतलब होता है थोड़ा सा जो ड्यूटी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहता है, ड्यूटीफुल रहता है, उसको स्टेडफास्टेडनेस बोल देते हैं, ठीक है। अब एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये तो बता ही रखा है, परसीवरेंस, परसिस्टेंस। एंड्योरेंस क्या होता है, तुम्हारी क्षमता, मतलब कितना तुम लोग कर सकते हो, ये चीज क्या है तुम्हारी, एंड्योरेंस है। अब नेक्स्ट एक होता है, मैंने तुम लोगों को अभी अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, बेनीवोलेंट। क्या बताया था, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट कौन है, अपने रतन टाटा जी है। रतन टाटा जी क्या है, हमारे जी बहुत ज्यादा काइंड है। और क्या है, रतन टाटा जी बहुत ज्यादा ग्रेशियस है, और कैसे हैं, टॉलरेंट है, बहुत ज्यादा ऑब्लिग दे, ठीक है, ऑब्लिगिंग है बहुत ज्यादा। और क्या है, बहुत ज्यादा डिसेंट है, चैरिटेबल है, लाविश है। लाविश का एक और मतलब होता है, जो पैसे उड़ाता है ना अंधाधुन माँ बाप के, उसको ही बोलते हैं लाविश। चैरिटेबल है, क्योंकि तुम्हें पता होगा टाटा की 66% के अराउंड सार का सार प्रॉफिट कहाँ जाता है, चैरिटी में जाता है। और कैसे हैं ये, मैग्नानिमस है, गलत हो गया, ये कैसे हैं,
मैग्नानिमस है। और कैसे हैं? बाउंटीएस है। वैसे मैंने ये पहले पढ़ा रखा है, बट हाँ कुछ कुछ वर्ड्स इसमें नए भी हैं। पेनिजेंट है। और कैसे हैं? एकोमोडेटिंग है। ठीक है, और आराम से पढ़ो यार। इसके अलावा एलम्स, एलम्स गिविंग है। एलम्स गिविंग मतलब जो अच्छे से दान वगैरह देते हैं, डोनेशन वगैरह। अब इनका जो एंटोनियम होगा वो कैसा होगा भाई? कंजूस है, माइजर बोल सकते हो, अनकाइंड है, या फिर एक होता है टाइट फिस्ट। क्या होता है टाइट फिस्ट? मतलब जो कंजूस होता है, टाइट फिस्ट। तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनियम हो गया, बेनिवोलेंट। ठीक है, आराम से पढ़ो यार जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, इन चीजों को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो भाई। जरूरी नहीं है एक ही बार में वीडियो देखो, लेकिन अब टाइम कम है, देखनी तो पड़ेगी। तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से ध्यान में रखना यार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं। एक वर्ड आता है तुम्हारा एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो कंफ्यूज होता है, मतलब जो डाउटफुल होता है। कैसा होता है? डाउटफुल। अब डाउटफुल अगर कोई है तो हम लोग लिखते हैं उसको थोड़ा सा, वो कैसा है? शेडी बंदा है, थोड़ा सा फिशी। कैसा है? फिशी। और कैसा है? वो हमारा है एम्बिगियस। कैसा है? एम्बिगियस है। और कैसा है? दिली, डाली। कैसा है? दिली डाली है। और कैसा है? ये है वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है? जो डाउटफुल होता है। ये वर्ड आता है, बहुत बार आता है, विविड। वैग्यू, वैग्यू का मतलब थोड़ा सा अनक्लियर। और अच्छे से बोले तो थोड़ा सा अनक्लियर बंदा, उसको बोलते हैं। अब अगर इसके हम लोग थोड़ा सा इडियम एंड फ्रेजेस की करें बात, तो कैसे करके आ जाता है? ऑन द हॉर्न्स ऑफ, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलिमा। डायलिमा मतलब, अब डायलिमा का मतलब क्या होता है? दो राह, मतलब जो कंफ्यूज रहता है। डायलिमा मतलब कंफ्यूजन में है। ठीक है, और एक और वर्ड है इसका, क्या होता है? मर्की। बस ये तुम्हारे क्या है? एम्बिगियस है। अब ये तो हो गए डाउटफुल। अब क्लियर चीजें क्या होती है, उसका ही मैंने ऑलरेडी बता रखा तुम लोगों को। तो वो चीज भी, वो इसके सब क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है तुम्हारा जेन्युइन। अगर कोई चीज जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब कोई चीज नॉर्मल है, कोई चीज नॉर्मल है। तो इसका जो एंटोनियम सिनोनियम होता है वो होता है बोनाफाइड है। वो चीज है बोनाफाइड, तो तुम लोगों ने सुना है स्कूल से ही मिलता है तुम लोगों को। और कैसा है? वर्टिएबल है, वेरीफाइड है वो चीजें। और कैसी है? अनएडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट तो पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? हाँ, ये तो सबसे पहली चीजें बताऊंगी। एडल्ट्रेट मतलब प्योर है। और कैसी है? स्टर्लिंग है, वैल्यूएबल। स्टर्लिंग का मतलब होता है जो चीज वैल्यूएबल होती है या बहुत अच्छी होती है। और कैसी है? लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट भी तुम लोगों ने सुना होगा, तो जेन्युइन चीज है ये चीज। ठीक है, अब इसका एंटोनियम क्या होता है? इसका एंटोनियम, इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे एंटोनियम होता है इसका बॉगस, कोई चीज बॉगस है, या फिर कोई चीज डिसेप्टिव है। क्या है? डिसेप्टिव है। और कोई चीज प्रिटेंड कर रहा है। अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है तो जेन्युइन नहीं है। और क्या है? पुट ऑन, काजी। और क्या है? एक ये वाला वर्ड भी आता है, फॉरग्री। एक आता है सूडो। सूडो फोर्स पता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं। तो सूडो भी एक तरीके का यही है। और क्या होता है? एक होता है काउंटर, काउंटर फियाट। ये सब चीजें होंगी। अब सेकेंड चीज, ये तो जेन्युइन का एक मतलब हो गया।
जैनविन का एक मतलब ये चीज हो गया। सेकंड चीज जो होती है जैनविन का मतलब, वो होता है तुम लोगों का क्या, वो होता है जो कैसा है, सिंसियर है। कैसा है, सिंसियर है। अब जो सिंसियर होगा वो कैसा होगा, अगर कोई सिंसियर है तो ट्रुथफुल होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसे तो अब दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि जिस टाइम पे मेहनत करनी थी उस टाइम पे उसने मेहनत कर दी। एक आता है कैंडिड, कैंडिड का मतलब भी क्या होता है, जेन्युइन। ये वाला वर्ड रिपीट हुआ है इसीलिए अच्छे से पढ़ना। और कैसा है, इन जेन्युस, और कोई अन हाइपो क्रिटिकल, कोई फ्रैंक है, ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या आपके जेन्युइन के सिनोनिम्स है। जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है आप लोगों का ओवरबीम। क्या है, ओवरबीम है। अब ओवरबीम होता क्या है, ओवरबीम, ये वाला तो वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, ओवरबीम। ओवरबीम क्या होता है, तो देखो इसके भी दो मतलब है। पहला मतलब है किसी को बरी करना। क्या करना, बरी, गाड़ देना। अगर आपने किसी को गाड़ दिया तो क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया उसको। जैसे सबमरीन्स को हम लोग समुद्र के अंदर डाल देते हैं। और क्या कर दिया, स्वैम्प कर दिया। और क्या कर दिया, एनगफ कर दिया। इसके अलावा क्लॉग कर दिया, CLO, CLOG, क्लॉक कर दिया, ओवरलोड कर दिया, किस या फिर बिसेट कर दिया। एक तो ये मतलब हो गया। सेकंड मतलब ओवरबीम का मतलब होता है जब आपको कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही हो, ओवरबीम्ड विद जॉय। ओवरबीम्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग फीलिंग। अगर ओवरबीम्ड विद जॉय लिखा है तो खुशी से पागल हो जाना। तो अगर जैसे देख, दुख से पागल हो जाना उसको भी ओवरबीम्ड विद सैडनेस बोलते हैं, तो स्ट्रांग फीलिंग को इसको क्या बोलते हैं, ओवरबीम्ड बोलते हैं। और इसका क्या होता है, ब्लो अवे, ब्लो अवे। और क्या होता है, किसी चीज को ओवरकम करना। और क्या करना, डंप फाउंड करना, डाजल करना। क्या करना, डाजल करना। और इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है तुम लोगों के लिए। तो ये सब क्या है, ओवरविम्ड क्या है। अब जो चीज ओवरविम्ड की नहीं होगी वो तुम लोगों को पता ही होगा कि बाकी की चीज है। जो ओवरविम्ड नहीं है तो मतलब जो बहुत ही ज्यादा अंदर अंदर रहता है। ओवरविम्ड का तो मतलब एक क्या है, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग। अब बहुत स्ट्रांग फीलिंग नहीं है तो वो ओवरविम नहीं है। अब यहां पर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, एक चीज सैवेज बताया था मैंने यहां पर तुम लोगों को। सैवेज मैंने कहा था क्या होता है, डेंजरस। सैवेज का मतलब डेंजरस। डेंजरस कौन सी चीज होती है, जो अनकंट्रोल्ड होती है। तो सैवेज का अगला मतलब क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड भी हो गया। समझ में आ गया कैसे करके लगा रहा हूं मैं। और क्या होता है इसका ना, वेशियस भी होता है। क्या होता है, वेशियस। इसके अलावा और क्या होता है, फिरोशियस। फिरोशियस भी क्या, इसका एक मतलब है। और क्या मतलब है इसका, सेडेक्टिव। सेडेक्टिव भी इसका क्या है, एक मतलब है। और इसका मतलब क्या है, ड्रेडफुल, ऑफुल। ये सब चीजें भी इसका क्या है, मतलब है। ड्रेडफुल ये वाले को तो आप बता देता हूं, ड्रेडफुल। यहां पर ऑफुल, इसके अलावा एट्रोशियस, ये भी क्या है, इसका सिनोनियम ही है।
एक बार ये वाला वर्ड भी आ गया था, सिलेंड्रियस पॉजिटिव, मतलब जो चीज कोई पॉज करे, और क्या होता है पर्नाशियस, तो ये सब क्या है इसके, और एक लास्ट बारबेरियस, तो ये इसके है। अब मर्डरियस भी हो सकता है इसका, जो मर्डर कर दे, तो ये सब चीजें इसकी क्या है, सिनोनियम है। नेक्स्ट है तुम लोगों का यहां पर, तो अब थोड़े से ही बचे हुए हैं, और एक है तुम लोगों का कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, जो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है, जो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, जो लॉजिकल होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। अभी इसके हम लोगों ने आर्टिकुलेट पढ़ दिया था, इसका रेलिवेंट पढ़ लिया था, ये सब चीजें पढ़ ली थी, बस एक और वर्ड है लूसिड, इसका और पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, लूसिड और इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल बस। प्रोस्पिशियस भी एक है, प्रोस्पिशियस भी एक और पढ़ लेना बस। अब बाकी इसका सिंपल सा, इनकोहरेंट का मतलब क्या था, एम्बिगियस था, तो अनएम्बिगियस का मतलब क्या हो गया, कोहरेंट हो गया। अब ये चीजें तुम लोगों को इतना तो खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इतना तो खुद ही दिमाग तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। अब एक आता है एंगर, एंगर तुम लोगों को पता होगा, एंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा, रेज बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, इनफ्लेम बोल देते हैं। इनफ्लेम करना मतलब पारा बढ़ाना, मेरा मेरा पारा मत बढ़ा, ऐसे करके बोल देते हैं। और क्या होता है, आउटरेज बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, रिसेंटमेंट, वैक्सेशन, तो ये सब चीजें क्या होगी, नॉर्मल से क्या है तुम्हारे एंगर क्या है। अब ये नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट तुम्हारा एक है एफिनिटी। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन लोग इनको मिस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि एक दो छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। एक है तुम लोगों का एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एपैथी, या फिर इसका क्या होता है, एफिनिटी बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी को, दूसरे को पसंद करते हो तो वो चीज है एफिनिटी। ये क्या होता है, एम्पैथी, या फिर एकॉर्ड, और क्या होता है, हार्मनी होता है, आपको दूसरे के प्रति क्या है, हार्मनी है, केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो यही चीज है वो, तो ये लिख नहीं रहा हूं हाँ केमिस्ट्री वाला। दूसरा क्या है, रिजेम्बलेंस है, और क्या होता है, एनालॉजी, और क्या होता है, कंसोनेंस। अब इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम देख लो इसका, एंटोनियम होता है इसका, अगर आप किसी को डिसलाइक करते हो, आप एवर्जन करते हो, आप क्या करते हो, एंटीपैथी करते हो, एपैथी, एंटीपैथी, ठीक है, और क्या करते हो आप, डेसिमिट्यूट करते हो, तो ये सब चीजें क्या है इसकी, एंटोनियम है। ये सब चीजें क्या है, एंटोनियम है इसका। एक वर्ड आता है आपका, ये वाला ही बहुत बार रिपीट करता है, डेलीजेंट। अब डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, डेलीजेंट बेसिकली होता है जो अपनी ड्यूटी के प्रति ना वफादार रहता है, ठीक है, जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से दिखाता है, या सिंपल अगर मैं इसको बोलूं, जो हार्ड वर्किंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीजेंट बोलते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन बाकी के वर्ड्स जो है वो वाले देख लेना, बाकी के यहाँ जैसे वो बंदा क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा, कैसा होगा, इंडस्ट्रियस होगा,
इसके अलावा कैसा होगा? एसीडीएस होगा, AssIDUOUS, एसीडीएस होगा। और कैसा होगा? सेड्यूलस होगा। और कैसा होगा? लेबरस होगा। लेबरस क्यों आया? क्योंकि लेबर्स क्या करते हैं? हार्डवर्क करते हैं। टेनाशियस होगा। और पर्टेनियस होगा, पर्टेंशियस। तो ये सब चीजें तुम लोगों को रखनी है। अब देखो पंक्चुअल से क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी पंक्चुअल से, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। अब देखो इसके एंटोनियम क्या क्या हो सकते हैं। एंटोनियम इसके बहुत सारे हो सकते हैं। डेलीजेंट है जो हार्ड वर्किंग होगा, तो पहली चीज तो लेजी हो जाएगा, जो लेजी होगा वो डेलीजेंट नहीं होगा। और क्या होगा? जो कैजुअल होगा वो भी डेलीजेंट नहीं होगा। जो इन डॉलेंट होगा वो भी क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा। स्लॉथफुल, जो स्लगिश, स्लगिश ये वाला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। स्लगिश, स्लगिश क्या होता है? जो लेजी होते हैं। लैंग्यूरस, और क्या होता है? जो प्लॉडिंग, और एक और एनर्वेटेड होंगे। तो ये सब होंगे, या फिर जो शिफ्टलेस होंगे वो भी होते हैं। तो ये सब क्या तुम्हारे इसके एंटोनियम है। अब बस लास्ट के कुछ ही रह गए हैं। ये देखो ये सारे जरूर पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल पे, फिर मैं बता रहा हूँ पीडीएफ में डाल दूंगा। और अगर कोई भी डाउट आता है इंस्टा पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जिसे भी वो ज्वाइन करना होगा तो मैं इन्फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे ही कर दूंगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना उसको। अब देखो एक वर्ड होता है तुम लोगों का लाउडेबल। लाउडेबल मतलब होता है जब आप किसी को, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप क्या करते हो? उसकी शाबाशी देते हो। तो वही चीज आप क्या करते हो? उसका प्रेज वर्दी। क्या होता है? प्रेज वर्दी। इसके अलावा क्या होता है? वो कमेंडेबल जॉब। आप क्या बोलते हो? भाई साहब इसने कैसी जॉब कर दी, कमेंडेबल काम किया इसने, तो कमेंडेबल होता है। इसके अलावा एडमायरेबल मतलब जिसको हम लोग सबको बता सकते हैं, भाई ऐसा काम किया इसने, तुम लोगों को भी ये चीज सीखना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? मेरिटियस मतलब मेरिट में नाम आने वाला काम किया इसने। अगर तुम लोग सपोज करो एनडीए एग्जाम में क्लियर कर देते हो और तुम्हारी एसएसबी क्लियर हो जाती है, तो तुम लोग किस में आ जाएगा तुम्हारा नाम? मेरिट में। फिर तुम सबको बताना भाई कैसे करके करते हैं भाई एनडीए क्लियर, एसएसबी कैसे करके क्लियर करते हैं। और ये आ गया तुम लोगों का स्टेम, ठीक है? तो ये चीज है तुम्हारी क्या आ गई है? इसके एंटोनियम, ये इसके सिनोनियम। अब एंटोनियम क्या होगा इसका? एंटोनियम होता है आपको जिसको हम प्रेस करते हैं, दूसरे को हम क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे, भाई तेरी वजह से मेरा इंडिया का नहीं हुआ ये वो सो। जैसे तुम लोग कह रहे होंगे भैया अपनी गलती नहीं देखोगे कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पहले से, नहीं भैया आपने जो बताया था वो नहीं आया, ओए वो सो ऐसा वो सो। तो ये नहीं होता भाई। तो ये क्या हो गया इसका? एंटोनियम हो गया। तो ब्लेम वर्दी और शेम वर्दी, ये दोनों क्या हो गए इसके? एंटोनियम हो गए। तुमको लगेगा ये लाव से कुछ रिलेटेड था, नहीं ये लाव से नहीं था रिलेटेड, ठीक है? ये लाव से नहीं था रिलेटेड। एक है तुम्हारा कॉपरेट। कॉपरेट क्या होता है? कॉपरेटिव क्या होता है? मतलब जो क्या करे, क्या करे? सहयोग दिखाए। सहयोग मतलब यहां पर आपका असिस्टेंस दिखाए तुम लोगों को। तो इसका क्या होगा? सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? कॉपरेट का हो सकता है कि आप शेयर्ड करो, अलाइड करो, म्यूचुअल करो, म्यूचुअली करो उस चीज को। इसके अलावा कॉम्यूनियल करो। और क्या कर सकते हो तुम लोग? क्रॉस पार्टी। ये देखो इनके थोड़ा सा तुमको अटपटे से लग रहे होंगे सिनोनिम,
होते हैं ये कंसी, ये करो और क्या करो, हारमोनियस, कॉम, प्लीसेंट। तो ये सब क्या है तुम्हारे, इसके अलावा एक क्या हो जाएगा, एक्यूसेंट। ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। बाकी इसका जो एंटोनियम होता है वो क्या है आपका, वो है आपका कॉम्पिसेंट। और क्या होगा इसका, कॉम्पिसेंट का मतलब होता है जो थोड़ा सा सेल्फ से सेल्फ सेटिस्फाइड हो। कॉपरेट मतलब क्या होता है, दूसरों के साथ काम करना। अब जो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कॉम्पिसेंट। और क्या बोल सकते हैं उसको, हम उसको हम स्मग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मग भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। अब एक वर्ड आता है सररियल। क्या आता है, सररियल। सररियल का मतलब होता है जो चीज थोड़ा सा अनरियल हो। क्या हो, अनरियल, या फिर कैसी हो, ये हो, या फिर वेयर्ड हो, थोड़ी सी, थोड़ा सा फ्रिकिश हो। कैसी हो, थोड़ा सा फ्रिकिश। फ्रिकिश का बेसिकली मतलब होता है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल। तो जितनी भी अनप्रिडिक्टेबल वाली चीजें वो भी एक तरीके से इसके सिनोनिम है, एक तरीके से इसके सिनोनिम है। अनअर्थलियो, अब ये आ गया समझ। अब एक आता है तुम लोगों का प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है जो बहुत ही इंटेंस होता है या ग्रेट होता है। मतलब अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जैसे तुम लोग अक्सर सुनते होंगे कि विराट कोहली बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं। क्या सुनते हैं हम लोग, कि विराट कोहली बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं। तो क्या, कैसा वर्कआउट करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड वर्कआउट करते हैं। इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे, हार्ट फेल्ट। मतलब आपको ही महसूस हो जाएगा वहां पर कि वो कितना वर्कआउट करते हैं, इंटेंस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं। कीन, इसके अलावा अनेस्ट, ओवरवीम्ड। ओवरवीम्ड क्यों, क्योंकि ओवरवीम्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला। तो यही चीज ओवरवीम, ओ इसका क्या होगा, अपने पूरे मन से करते हैं वो। तो होल हार्टेड, थोड़ा बहुत कनेक्टेड वर्ड्स हैं, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंसिव, और क्या होता है, ओवर पावर्ड, ओवरवीम्ड, ओवर पावर्ड, ये दोनों के दोनों लगभग सेम हो गए। और क्या हो गया, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कआउट कर दिया कि वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर सकते। फर्वेंट, और कैसा है, उनकी लाइफ चेंजिंग है। तो लाइफ चेंजिंग, ये भी क्या हो गया, इसका थोड़ा सा एंटोनियम हो गया। फार रीचिंग, वो बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं उस वर्कआउट से। तो ये भी क्या हो गया इसका, ये भी क्या हो गया इसका, एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया। अब इसका एंटोनियम की अगर बात करें तो एंटोनियम क्या होगा इसका, एंटोनियम होगा इसका सुपरफिशियल। भाई हवा में बातें करना, तो सुपरफिशियल बातें तो नहीं करते हैं ये लोग। इसके अलावा बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्की बातें तो नहीं करते हैं, या फिर बिल्कुल बेवकूफों वाली बातें तो नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका एंटोनियम हो गया। अब प्रोफाउंड के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, प्रोफाउंड के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक तो हो गया ये, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है थोड़ा सा प्रोफाउंड का मतलब वाइस भी होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब जो बहुत क्लेवर बातें करे, क्लेवर तो ना क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बातें करे। या इसका क्या होगा, स्कॉलरी, क्या होगा, स्कॉलरी, स्कॉलरली। और क्या होगा, सेग। इसके अलावा तुम्हारा क्या होगा, सगैशियस। क्या मैंने अभी अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले सगैशियस का मतलब बताया था,
बताया था, बताया था ना, ये भी होता है डिसर्निंग। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब कि बस, पेनिट्रेटिंग का मतलब जो चीज करने बैठ गए अब वो वही करना है, पेनिट्रेट कर देनी है वो चीज। ठीक है, जैसे ये वीडियो अभी तक तो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, मेरे हिसाब से इस पॉइंट तक तो बहुत कम लोग आ रहे होंगे। परपीशियस, एक परपीशियस भी होता है, एक सेपियंट भी होता है। अब सेपियंट है तो परसी पेंट भी होता है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर जाते हैं हर कोई वर्ड। अब एक वर्ड आता है अकाउंटेबल। क्या आता है? अकाउंटेबल। क्या तुम लोगों को अकाउंटेबल का मतलब पता है? अकाउंटेबल का मतलब क्या पता है? अकाउंटेबल का मतलब पता है, जो आंसरेबल होता है वही अकाउंटेबल होता है। मतलब अगर तुम लोगों ने क्या किया, कोई चीज रिक्वायर्ड है, जैसे सपोज करो अगर तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो तुम आंसरेबल होगे ना फिर उसके बाद उस चीज के लिए, तो तुम क्या होगे? अकाउंटेबल होंगे। और क्या बोल सकते हैं? यू विल बी बाउंड टू ओबे। आपको मानना ही मानना पड़ेंगे जो रूल्स हैं। सपोज करो मैंने अगर तुमको कैप्टन बनाया, कैप्टन बनाया तो सारे जवाब, तुम लोग हारे क्यों, वो सब चीज तुमको ही जवाब देना पड़ेगा। तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट, सब्जेक्ट हो गए तुम या लाइबल हो गए तुम। ठीक है, एक तो ये मतलब हो गया अकाउंटेबल का। सेकेंड जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका? कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एबल टू एक्सप्लेन, मतलब आपको समझाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिबल हो गए आप। और क्या हो गए? इंटेलिजिबल हो गए, डिफाइनेबल हो गए, जो भी आपने काम किया वो क्यों किया है, ये सब चीजें। तो इट इज अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द OLQs, वी कैन से इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर यू हैव टू बी अकाउंटेबल। और क्या होगा? एक्सप्लिसेबल। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपकी? अकाउंटेबल होती है। क्या होती है? अकाउंटेबल होती है। और लास्ट वर्ड जो है वो है आपका श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है? श्रूड का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत अच्छी क्या होती है? जजमेंट की पावर होती है। ठीक है, क्या होती है? जजमेंट की पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं? श्रूड बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास जजमेंट की पावर है तो आप क्या हुए? इंटेलिजेंट हुए, क्लेवर हुए। और क्या हुए? आप परसीव बहुत अच्छा करते हो चीजों को, परसेप्टिव। और क्या हुए आप? प्रेस्पिशियल, प्रेस्पिकैशियस, ये भी हुए। और क्या हुए आप? सेपियंट भी हुए। अभी अभी मैंने सेपियंट लिखाया था, याद है? अभी अभी सेपियंट लिखाया था, तो वो भी क्या हो गया? इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर गया। सेग, देखो घुमा फिरा के लगभग वही चीज आ रही है, सगैशियस। और क्या हुए आप? अगर आपको अच्छा जज करना है तो आपको ऑब्जर्व भी अच्छा करना होगा, तो ऑब्जर्वेंट भी हुए आप। अब इसका क्या होगा? अगर आप एंटोनियम निकालना चाहोगे इसका, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? कोई क्या होगा? स्टूपिड होगा, कोई अनवाइस होगा। और क्या होगा? इन जेनरस होगा। तो ये सब थे आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनियम एंड सिनोनियम्स थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे एंटोनियम एंड सिनोनियम, ये तुम लोगों को पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। और एक बोनस के रूप में तुम लोगों को लास्ट बता देता हूं मैं, ये होता है रेनेगेज। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ट्रेटर होता है, ट्रेटर, डिफेक्ट वाला, या फिर बोल सकते हो कि जो ट्रेटर है मतलब गद्दार है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? जो अच्छा फॉलोवर होगा वो क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को अब सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनियम एंड सिनोनियम से ये वाली PDF मैं फिर से बता रहा हूँ,
टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर भेज दूंगा, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट आता है यहाँ पर इंस्टा पर पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो और थोड़ा बहुत रिवाइज करो, इसको बार बार रिवाइज करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत सारे एंटोनियम एंड सिनोनियम इससे आते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।